सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक बहुत कॉमनेस्ट डिजॉर्डर्स सर्विक्स इरोजन, इसके बारे में डील कर रहे हैं। सर्विक्स इरोजन, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल एक्ट्रोपियन भी बोलते हैं। एक्ट्रोपियन क्या है डिजीज, इसके बारे में बात समझते हैं। यह एक सीरियस गायनेकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स है जिसमें कई फीमेल आज के समय में सफरर इसके रहती हैं और इसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। क्या है सर्विक्स इरोजन? ऐसे तो लगता है कि इसको सर्विक्स का छील जाना बोलते हैं। हकीकत में क्या होता है कि सर्विक्स के सेल का जो आउटर लेयर होता है ना, उसका नेचर चेंज कर जाता है। अब बात हम लोग वन बाय वन करके सारी बात पे जिक्र करते हैं। नॉर्मल में जो सर्विक्स का जो आउटर सर्फेस होती है ना, ये वाला नॉर्मल में ये सर्फेस बना होता है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का। सर्विक्स का आउटर लेयर स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। अच्छा, अंदर का जो एंडोमेट्रियम होता है ये कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, अब ये कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू कहां तक होते हैं, ये देखिए यहां पर होता है इंटरनल ऑस, यहां भी कॉलमनर। इसके बाद ये जो स्क्वामस जो यहां पर होता है, यहां पर सर्विस का एक्सटर्नल ऑस, ये भी स्क्वामस का। तो ये जो ऑस एक्सटर्नल ऑस और जो इंटरनल ऑस, दोनों के बीच में जो ये कैविटी होती है ना, जो स्पेस, यहां पे इसको इंडो सर्विक्स बोलते हैं। इंडो सर्विक्स ये जो होता है ना, मिक्सअप होता है ये कॉलमनर प्लस स्क्वामस, कॉलमनर स्क्वामस। तो इस तरह से क्या है ना, आउटर होता है स्क्वामस, अंदर होता है कुबाइडल, इसे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू क्यों बना होता है, ये एक तरह से ग्लैंड का काम करता है, ये एक तरह से म्यूकस सिंथेसिस का काम करता है। स्क्वामस क्यों है, स्क्वामस नेचर ने बनाया है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, किसी ने किसी तरह के केमिकल के प्रोटेक्शन के लिए, फ्रिक्शन के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर स्क्वामस सेल बनता है, अंदर में कॉलमनर बनता है। अब होता क्या है इस बीमारी में कि यहाँ का स्क्वामस सेल जो होता है वह कॉलमनर में चेंज कर जाता है। क्या चेंज कर जाता है, यानी जो स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स, जो आउटर में जो स्क्वामस सेल होती है, यह स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू में चेंज कर जाता है। यानी यह भी कह सकते हैं कि माइग्रेट करके बाहर चला आ सकता है, यह भी होता है। या कि माइग्रेट करके बाहर चला जाएगा, या फिर यह सेल यहां से क्या होता है, कन्वर्ट कर जाता है। तो यही कन्वर्शन होने को हम लोग बोलते हैं इरोजन। कन्वर्शन को तो वैसे बोलते हैं मेटाप्लासिया बोलते हैं। कन्वर्ट होना मतलब मेटाप्लासिया, यानी स्क्वामस सेल कन्वर्ट इनटू कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, इसको मेटाप्लासिया बोलते हैं। लेकिन इसका जो नेचर होता है ना, देखने में वो रेड रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, रेडनेस हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, यह स्क्वामस सेल कॉलमनर में आखिर चेंज कैसे हुआ, किस वजह से चेंज किया कॉलमनर में। सबसे पहला जो कारण है और सबसे बड़ा कारण इसका है, वो है हार्मोनल। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजेन के कारण। एस्ट्रोजेन का बार बार एक्सपोजर होने से, एस्ट्रोजेन का ज्यादा एक्सपोजर होने के कारण, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये जो सर्विक्स होती है ना, ये एस्ट्रोजेन से ये मॉडिफाइड होती रहती है, उसी से प्रोलिफरेशन होता है, उससे बनते रहता है। तो अगर बाय द वे इस सर्विक्स पे अगर बाय द वे एस्ट्रोजेन का अगर इस पे एक्सपोजर लगता है अगर बाय द वे, तो एक्सपोजर होने के कारण क्या होता है, इसका नेचर चेंज कर जाता है। अब एस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज्यादा लगता कब है, क्यों लगता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो एस्ट्रोजन का ज्यादा एक्सपोजर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू बॉर्न बेबी में। अब न्यू बॉर्न बेबी में क्यों होता है, कभी कभी क्या होता है कि मदर का जो एस्ट्रोजन होता है वह फीमेल चाइल्ड में वो चला आता है। तो कभी कभी न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है, फीमेल चाइल्ड में भी इरोजन देखने को मिलता है। नंबर टू, प्यूबर्टी के समय अगर एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है तो वहां भी कभी कभी हमें इरोजन देखने को मिलता है। नंबर थ्री, प्रेगनेंसी के केस में एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, उस केस में भी यहां पर क्या होता है, इरोजन होता है। अगला, मल्टी प्रेगनेंसी, यानी कि शॉर्ट इंटरवल प्रेगनेंसी, यानी कि क्या होता है कि एक बार प्रेगनेंसी हुई, अभी दो तीन महीने के बाद फिर प्रेगनेंसी हो गई, इस केस में भी सर्विक्स इरोजन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने लगता है। इससे ज्यादा कंटासेप्टिव ड्रग्स क्या करता है कि कंटासेप्टिव ड्रग्स में भी एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है,
जैसे खास करके कहो जो इंजेक्शन के रूप में जो देते हैं कंटासेप्शन, जैसे डिपो प्रोवेला होता है, ये सब का इंजेक्शन होता है, मिथॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, मिथॉक्सी एस्ट्रोजन, ये सब जो मेडिसिन होती है, ये सबसे क्या होता है ना कि हाई लेवल में बॉडी में क्या होता है हार्मोन एकाभाव बढ़ता है, इसके वजह से क्या होती है, इसके कारण भी यहाँ पर इरोजन होती है। या फिर कंटासेप्टिव ड्रग्स का मिसयूज करते हैं, वहां भी इरोजन देखने को मिलता है। अगला होता है ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन बेनाइन ट्यूमर। ओवरी में अगर बेनाइन ट्यूमर होगा उसके कारण भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे का हार्मोन का एक्सपोजर होता है। अगला जो कारण होता है इसका वह है जैसे यहाँ पे इन्फेक्शन होने के कारण, जैसे मान ली क्रोनिक सर्विसाइटिस हुआ है या एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, हर्पिस का इन्फेक्शन, तो ऐसा कुछ अगर एक्सपोजर होता है इन्फेक्शन से जिनका, तब भी यहाँ पे सर्विस इरोजन होती है। और अगला है केमिकल एक्सपोजर, अगर वजाइना का पीएच अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है सपोज दैट, उसमें भी यहाँ पर इरोजन होती है। या फिर कोई केमिकल यूज करते हैं, कोई क्रीम यूज करते हैं, बाय द वे ये सर्विस स्पर्मिसाइडल क्रीम कभी कभी लोग यूज करते हैं, कंटासेप्टिव क्रीम यूज करते हैं, वो सब क्रीम के कारण भी क्या होता है कि यहाँ पे सर्विक्स में इरोजन होता है। तो सर्विक्स इरोजन के कारण आप देख लिए कि ये सब बहुत सारे कारण होते हैं, और बहुत बार तो पता नहीं चलता है कि कैसे हो गया, ये भी कंडीशन होती है। ये तो हो गया मेरा क्या सर्विक्स इरोजन का कारण। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में सिम्टम, सर्विक्स इरोजन का सिम्टम क्या होता है। देखिए सबसे पहला सिम्टम तो यह होता है कि इसके कारण जो यहाँ पर नर्व सेंसरी नर्व होती है, अब सेंसरी नर्व हो गया, सेल का नेचर चेंज कर गया, तो यहाँ पर बैकएक होता है, पीठ में दर्द होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है इसकी वजह से, या फिर वजाइनल पेन होते हैं, वजाइना में बर्निंग सेंसेशन होता है, वजाइना में इरिटेशन होती है। तो ये सब जो होता है ना ये सेंसरी नर्व के कारण होता है, क्योंकि नर्व का नेचर चेंज कर गया ना, स्क्वामस था तो प्रोटेक्शन करता था, कॉलमनर हो गया प्रोटेक्शन नहीं होगी, इसके कारण सेंसिटाइजेशन क्या होती है यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, और एक्सेस सेंसिटाइजेशन के पेन होता है यहाँ पे। अगला सिम्टम, नेक्स्ट सिम्टम है इसका अबनॉर्मल ब्लीडिंग। यहाँ पर क्या होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, और मेंस के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कभी कभी अबनॉर्मल ब्लीडिंग भी होती है, कभी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। तो ए यू बी और डी यू बी दोनों मिलता है इसमें। इसका नेक्स्ट क्या होगा, अबनॉर्मल डिस्चार्ज, ल्यूकोडियल डिस्चार्ज, अबनॉर्मल डिस्चार्ज, सर्वाइकल डिस्चार्ज, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूड डिस्चार्ज भी होती है, ये भी कंडीशन आ सकता है। उसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है यहाँ पे, ये भी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट ये जो मिलता है आपको इसमें सिम्टम ज़्यादातर यही मिलता है इसमें। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें कॉल्पोस्कोपी से देखते हैं अगर बाय द वे, तो कलर जो है सर्विस का चेंज मिलता है ड्यूरिंग कॉल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन, कलर ऑफ सर्विस बिकम्स चेंजेस। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या मिलता है, इसका कॉम्प्लिकेशन सबसे नंबर वन कॉम्प्लिकेशन तो सर्विस कैंसर है, सर्विस कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। उसके बाद इनफर्टिलिटी भी होती है, इसके बाद इन्फेक्शन पीआईडी ये बहुत ज़्यादा होता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, एनीमिया होने की चांस हो सकती है। तो ये जो होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैंसर और ब्लीडिंग का कंडीशन बहुत होता है। तीसरा में ल्यूकोरिया सर्वाइकल ल्यूकोरिया, ये जो सिम्टम है ये जो कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे पता लगाएंगे इसको, अगर ऐसा मरीज मिलता है तो कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी डिफ्रेंशिएट इसको मिलेगा आपको सर्विस कैंसर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, कभी सर्विस पॉलिप से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ये कभी 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 डिफ्रेंशिएट करना पड़ सकता है, इसको डीडी बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में इसलिए सबसे बेस्ट है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी टीवीएस, या हम लोग ट्रांस पेरिनियम सोनोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी इसके लिए सबसे ऑथेंटिक है और इसे पता लग जाता है। इसके बाद दूसरा जांच करना चाहते हैं तो कॉल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन, डायरेक्ट कॉल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन इंसर्ट करके कॉल्पोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट होती है उससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि सर्विस इरोजन है। इसके बाद जो अगला जब हम लोग करते हैं इसमें सीरम एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का पता लगाएंगे तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा, बढ़ा हुआ मिलता है, तो ये भी हम लोग इससे पता लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपका अगला टेस्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है, अब आते हैं बात ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसके लिए, क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में क्या करते हैं कि निगेटिव टेम्परेचर का एकदम निगेटिव टेम्परेचर यानी कोल्ड एकदम एक्सट्रीम कोल्ड उस टेम्परेचर को जैसे लेकर के यहाँ से कैया किया जाता है, इसको बोलते हैं क्रायोथेरेपी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं कोल्ड से कैया बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे यूवी रेडिएशन भी एक्सपोज कर सकते हैं, इसके कारण क्या होता है यहाँ पर जो सेल है उसका नेचर कैंसर में चेंज नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिर मैनेजमेंट के रूप में क्या करेंगे, हम लोग कंटासेप्टिव से अवॉइड करेंगे, बोलेंगे
एस्ट्रोजन का जो कंट्रासेप्टिव ड्रग्स ले रहे हैं उसको अवॉइड करते हैं, ओवेरियन सिस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, वजाइना में किसी भी तरह का जो क्रीम है उसको एक्सपोजर नहीं करेंगे, उससे बचाते हैं मरीज को। ये सब इसका है ट्रीटमेंट का साधन। बाकी इसमें आता है मेडिसिन जो आता है इसके लिए, सबसे बेस्ट मेडिसिन आता है इसके लिए कोनियम, दूसरा आता है इसके लिए मर्कसोल, ये दो मेडिसिन सबसे अच्छा है। इसके बाद उसे चलाते हैं थूजा, फिर चलाते हैं सालेसिया, और उसके बाद चलाते हैं मेडोडिनम। ये सब जो मेडिसिन है इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन आता है सर्विक्स सिरोजन के लिए। यह था आपका सर्विक्स सिरोजन। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन हो आप जरूर पूछेंगे। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।